हेलो फ्रेंड्स मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएस ई पाठशाला में जैसे कि आप सभी को पता है व्यापम की एक नई वैकेंसी आई है मंटी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की तो उसी से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी ई पाठशाला के द्वारा आज के इस वीडियो में आपको इसी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको प्रोसीजर बताया जाएगा किस प्रकार से आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं कैसे अपने मार्क्स कैलकुलेट करके सबमिट करने हैं कैसे आपका रिजल्ट विथ रैंकिंग जारी किया जाएगा तो ध्यान से एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हुए चलिएगा जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टेस्ट सीरीज़ में आठ टेस्ट पेपर सेट किए गए हैं जिसमें शुरू के वन टू सेवन यानी कि एक से सात तक के जो टेस्ट पेपर है ये टॉपिक वाइज है और इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी पचास और इसके लिए निर्धारित समय रहेगा एक घंटा यानी कि एक घंटे के समय में आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करके सबमिट करना है जबकि जो आठवें नंबर का टेस्ट है जो कि एक मेगा टेस्ट है इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी वन यानी कि एक और इसके लिए निर्धारित समय रहेगा आपका तीन घंटा टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह नौ बजे से मॉर्निंग नाइन ए एम सुबह नौ बजे से तो जो आपके पहले के जो आपके एक से लेकर सात तक के जो टेस्ट पेपर है वन टू सेवन उसके लिए टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग नाइन टू टेन जबकि जो आपके एट्थ नंबर का जो टेस्ट पेपर है मेगा टेस्ट है उसके लिए टाइमिंग रहेगी आपके मॉर्निंग में नाइन टू ट्वेल्व ठीक है सुबह नौ से लेकर बारह बजे के बीच में आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करके सबमिट करना है मेगा टेस्ट को जबकि एक से लेकर सात तक के टेस्ट पेपर की टाइमिंग रहेगी आपकी नाइन टू टेन ठीक इस निर्धारित समय में जो भी स्टूडेंट टेस्ट पेपर को अटैम्प्ट करके अपने मार्क्स सबमिट करेंगे उन्हीं के रिजल्ट शाम को छः बजे टेलीग्राम चैनल पर जारी किए जाएंगे उनकी रैंक जारी की जाएगी लेकिन किसी कारणवश अगर कोई स्टूडेंट इस, इस निर्धारित समय में यानी कि सुबह 9 से 10 या 9 से 12 बजे के टाइम पीरियड में टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करता है तो बाद में कभी भी वो टेस्ट लिंक को यूज करके एक बार टेस्ट दे सकता है ठीक है एक बार वो टेस्ट दे सकता है लेकिन ध्यान दीजिएगा आप टेस्ट तो दे सकते हैं लेकिन आपकी रैंकिंग जारी नहीं की जाएगी जो निर्धारित समय में टेस्ट देंगे नौ से दस या नौ से बारह बजे के बीच में उन्हीं की रैंक आपकी जारी होगी ठीक अब देखिए ध्यान समझते हुए चलिएगा जो भी सदस्यों ने जिन भी सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके ईमेल आईडी पर सुबह नौ बजे सुबह नौ बजे एक मेल सेंड किया जाएगा उस मेल को अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से थो थोड़ा पढ़िएगा सीजी व्यापम मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक टेस्ट सीरीज 2021 ठीक देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है टेस्ट लिंक को सुबह दस बजे डीएक्टिवेट दि कर दिया जाएगा जैसे कि टेस्ट की टाइमिंग है सुबह नौ से लेकर के दस बजे के बीच में तो दस जैसे ही आपका दस बजेगा वो आपका टेस्ट लिंक को डीएक्टिवेट दि कर दिया जाएगा ठीक है आप सभी अपना मार्क्स दिए गए निर्धारित समय में सबमिट करें यानी कि मार्क्स जो है आपके सबमिट करने का निर्धारित समय यहाँ दिया हुआ है देखिए टेन फिफ्टीन दिए गए निर्धारित समय में आपको अपने मार्क्स सबमिट करने हैं जैसे ही सभी के मार्क्स सबमिट हो जाएंगे उसके बाद ग्यारह बजे लिंक को पुनः ओपन कर दिया जाएगा यानी कि जो बचे हुए स्टूडेंट हैं जो किसी कारण से टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो ग्यारह बजे के बाद कभी भी चौबीस घंटे में कभी भी जो है टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं ठीक है देखिए इसमें दिया गया है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट टाइमिंग बाय लिंक यानी कि टेस्ट में जो जो आपके लिंक के थ्रू आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं सुबह नौ से लेकर के दस बजे के बीच में जबकि मार्क्स सबमिशन की टाइमिंग रहेगी आपका पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा दस बजे जैसे ही टेस्ट एंड होगा उसके बाद पंद्रह मिनट के टाइम पीरियड में आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करके आप सबमिट कर सकते हैं देखिए ये जो आपका पहले नंबर पर जो आपका है ये है आपका टेस्ट लिंक है ठीक है देखिए ये जो है ये आपके टेस्ट पेपर का लिंक है जबकि नीचे साइड जो है ये आपके मार्क्स सबमिशन का लिंक है अब ये टेस्ट लिंक और मार्क्स सबमिशन लिंक है क्या इसको थोड़ा समझिएगा देखिए जो आपका टेस्ट पेपर लिंक है आप जैसे ही इस टेस्ट पेपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा देखिए यहां से जो है आपका एक टेस्ट पेपर ओपन हो जाएगा इसको ध्यान से पढ़िएगा इसमें लिखा हुआ क्या है इसमें लिखा गया है कि सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ ध्यान से पढ़कर एक घंटे की समय सीमा में सॉल्व करने का प्रयास करें पेपर सॉल्व करने के पश्चात अंतिम में सबमिट बटन पर क्लिक करें इसके पश्चात आपके आ, आ, इसके पश्चात अपने प्रश्नों का मूल्यांकन करने के लिए व्यू एक्यूरेसी पर क्लिक करें स्वयं से सही प्रश्न जो आपके जिस प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है वो ग्रीन कलर में शो होंगे और जिन प्रश्नों का आपने गलत उत्तर दिया है तो वो रेड कलर में शो होगा कि संख्या काउंट करके ईमेल में दिए गए दूसरे लिंक जो ईमेल में आपका जो दूसरा लिंक दिया गया है देखिए ईमेल में आपका एक और लिंक दिया गया है ईमेल में दिए गए दूसरे लिंक यानी कि ये वाला लिंक ठीक ईमेल में दिए गए दूसरे लिंक में ई में दिए गए दूसरे लिंक के माध्यम से अपने मार्क्स सबमिट करें इसमें एक आपके लिए नोट है कि मार्क्स सबमिट करने वाले ही अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से रैंक जारी किया जाएगा ठीक है जिन्होंने मार्क्स सबमिट किया है केवल उन्हीं का रैंक जारी होगा अब देखिए पेपर सॉल्व कैसे करना जैसे इसमें आपका ईमेल एड्रेस दिया है तो फटाफट इसमें आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जैसे कि सी जी पी एस सी ई पाठशाला आपको नाम डालना है CGPSC ई पाठशाला फिर से यहां पे आपको ईमेल आईडी टाइप करना होगा CGPSC ई पाठशाला एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मोबाइल नंबर आपको टाइप करने होंगे और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा ठीक है देखिए अब उसके बाद आपको पेपर सॉल्व करना है ध्यान समझिएगा जैसे कि आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ इसमें आपको केवल एंसर क्लिक करना बता रहा हूँ ठीक है ए, उसके उत्तर सही है या नहीं है वो आपको एंड में पता चलेगा जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कौन सा एक शासक कवि तथा संगीतज्ञ था जो कविराज तथा कवियों के शासक उपनाम से उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था तो इसका आंसर हम ले लेते हैं बी समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था उसमें हम आंसर ले लेते हैं सी तीसरे नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय संगम का अध्यक्ष था उसका आंसर ले लेते हैं हम बी चौथे का आंसर हमको नहीं पता पाँचवें का आंसर जो है ये भी हमको नहीं पता और छठवें का आंसर हम ले लेते हैं डी ठीक है इतना करने के बाद आपको सबमिट कर देना है ठीक अब सबमिट करेंगे तो ध्यान से पढ़ इसको फिर से पढ़िएगा इसमें क्या लिखा हुआ है जो हमने पहले किया था सभी प्रश्नों को एक घंटे के समय अवधि में पढ़ करके उसे सबमिट करने का प्रयास करें और ध्या, ध्यान से पढ़िएगा देखिए इसमें क्या लिखा गया है स्वयं से ही सही प्रश्नों जो आपके सही प्रश्न रहेंगे वो ग्रीन कलर में रहेंगे और जो गलत प्रश्न है वो आपके रेड कलर में रहेंगे और साथ ही साथ जिस प्रश्नों को आपने छोड़ दिया है वह भी रेड कलर में रहेंगे तो उसको पहचान कैसे करना ध्यान समझिएगा इसमें देखिए इसमें व्यू एक्यूरेसी ये जो आपका दिया गया है इस व्यू एक्यूरेसी पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप व्यू एक्यूरेसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बता देगा कि आपके कौन से क्वेश्चन करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा सही है ये ग्रीन कलर में है दूसरा क्वेश्चन हमने अटेम्प किया था ये भी सही है ये भी आपका ग्रीन कलर में है तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमने गलत अटेम्प्ट किया था तो इसीलिए प्रश्न के आगे एक क्रॉस चिन्ह रहेगा और आंसर के आगे क्रॉस चिन्ह रहेगा और उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताया जाएगा तो ये क्वेश्चन आपने गलत अटैम्प्ट किया है और उसका सही आंसर दिया गया है ठीक है चौथा प्रश्न जो है देखिए चौथे प्रश्न में क्रॉस का निशान तो बना हुआ है लेकिन इस प्रश्न इसमें क्रॉस का मतलब क्या है आपने इस प्रश्न को अटैम्प्ट ही नहीं किया है यानी कि इसको आपको काउंट नहीं करना है ठीक वैसे ही जो पांचवा प्रश्न है इसको भी आपने अटैम्प्ट नहीं किया छठवें प्रश्नों को आपने अटैम्प्ट किया है तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है एक दो और तीन तीन प्रश्न आपने सही अटैम्प्ट किए हैं जबकि गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है आपका एक मात्र एक ही प्रश्न आपने गलत अटैम्प्ट किया है ठीक तो सही प्रश्नों की संख्या यानी कि जो आपके राइट जो आपके अटैम्प्ट है उनकी संख्या है तीन जबकि रॉन्ग अटैम्प्ट की संख्या है आपका एक तो जो आपका व्यापम में कैलकुलेशन जो टोटल मार्क्स कैसे निकाला जाता है टोटल मार्क्स का मार्क्स का फॉर्मूला रहता है राइट अटेम्प्ट माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग अटेम्प्ट ठीक तो यहाँ हमने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किए हैं तीन और रॉन्ग अटेम्प्ट कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाय वन एक ही क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है यानी कि हमारे मार्क्स आ जाएगा आपका टू पॉइंट सेवन फाइव ये हमारा टोटल मार्क्स होगा ठीक है ये टोटल मार्क्स रहेगा तो अब हमको मार्क्स सबमिट कैसे करना है देखिए फिर से हम जाएंगे अपने उसी जी मेल पर ठीक है जो हमारा जी मेल जो हमारा मेल आया था उसी में हम जाएंगे और उसमें देखिए उसमें ये लिखा हुआ है आपका मार्क सबमिशन मार्क सबमिशन लिखा हुआ है इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका मार्क सबमिशन लिंक ओपन हो जाएगा इसमें आपको अपना देखिए इसमें ऊपर तरफ एक चेतावनी लिखा है उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मेंबर्स अपने मार्क्स को सही तरीके से कैलकुलेट करके सबमिट करें किसी भी मेंबर्स के मार्क्स सबमिशन में गलती पाई गई तो उस उसे जो है आगे सभी टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे देखिए जो भी आप अपने मार्क्स सबमिट करेंगे उनके एंसर को क्रॉस चेक किया जाएगा गलती पाई गई तो आप जो है जितने भी आगे बचे हुए टेस्ट है उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा ठीक है देखिए अब आपको अपने मार्क्स सबमिट करने हैं तो सबसे अपना ने अपना नाम लिख लीजिए सी जी पी एस सी ई पाठशाला ठीक है ईमेल e आईडी भी डाल दीजिए सी जी पी एस सी ई पाठशाला एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मोबाइल नंबर डाल दीजिए अब देखिए राइट अटेम्प्ट हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए थे तीन ठीक है कितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे एक और टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे बताया हमने क्या देखा था देखिए तो, टोटल मार्क्स का जो है यहाँ पर आपका फॉर्मूला दिया गया है ये है फॉर्मूला ठीक है टोटल मार्क्स का फॉर्मूला ये दिया गया है तो इसमें क्या दिया गया है आर माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाय डब्लू ठीक है तो इसमें हमारे सही प्रश्नों की संख्या कितनी है आर मतलब तीन गलत प्रश्नों की संख्या जीरो पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाय वन यानी कि हमारा टोटल मार्क्स आ रहा है टू पॉइंट सेवन फाइव ठीक देखिए तो यहाँ पर आपको अपने मार्क्स लिख देना है टू पॉइंट सेवन फाइव इतना करके आपको सबमिट कर देना है ठीक आपका मार्क्स जो है वो आपका सबमिट हो जाएगा इतने आपको करके छोड़ देना है ठीक जैसे ही दस बजे आपका टेस्ट पेपर का जब टाइमिंग आपका एंड हो जाएगा टेलीग्राम में डॉट टेन ए एम यानी कि सुबह दस बजे टेलीग्राम चैनल पर आपका एंसर की जारी कर दिया जाएगा जबकि शाम को छः बजे जिस किसी भी सदस्यों ने अपने मार्क्स सबमिट किए हैं उनके रैंक आपके जारी हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर ही ठीक है तो ये सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है इस बार जो है आपका टेस्ट एक लिंक के थ्रू कराया जा रहा है अभी हम अपने एक मोबाइल ऐप पर वर्क कर रहे हैं इसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज होंगे वो आपके मोबाइल ऐप के जरिए होंगे जिसमें आपको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी ठीक है फिलहाल जो है अभी आप लिंक के थ्रू टेस्ट दीजिए ठीक मार्क्स सबमिशन में किसी प्रकार की गड़बड़ी मत कीजिएगा अगर आप गलत तरीके से अपने रैंक आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मार्क्स सबमिट करेंगे तो आप अपने आप को अंधकार में रख रहे हैं ठीक है ये एक टेस्ट पेपर है इसमें आप किसी से झूठ बोल करके या गलत मार्क्स सबमिट करके आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन जो मेन पेपर है उसमें आप पीछे रह जाएंगे ठीक है तो स्वयं से धोखा मत दीजिएगा जो एग्जैक्ट आपके मार्क्स है उसे सबमिट कीजिएगा और किसी की भी गलती अगर पकड़ाई तो वो टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा ठीक चलिए